अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट। मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। रोजा रखा सबने? जी बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियस, वही अभी चल रहा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। सना, कैसे हो आप लोग? जी बेटा, ये जो हम सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, इसकी हमने जो है 40 स्लाइड्स पढ़ी थी। थैंक यू। सना, रोजा रखा है? थैंक यू बच्चों, आपके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं रमजान मुबारक के। थैंक यू एंड सेम टू यू। लास्ट टाइम आई थिंक कि हम चेन ऑफ इन्फेक्शन पे थे, कि जब चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको कैसे हमने ना, चेन ऑफ इन्फेक्शन होती क्या है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। बायोलॉजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, सुसेप्टिबल होस्ट एंड कंप्रोमाइज्ड होस्ट, ये सारी चीज़ें बेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। तो आई होप कि आप लोगों को जो है रिकॉल करोगे अपने आप को, और इसको जो है आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैडम ने एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट पढ़ा दिया था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आई थिंक के पढ़ा दिया था, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, व्हीकल एंड हाँ वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन, ये स्लाइड भी मैंने ऑलरेडी जो है मैंने पढ़ा दी हुई आप लोगों को। जी नोजोकोमल इन्फेक्शन भी पढ़ लिया हुआ आप लोगों ने। जी यहाँ तक बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या, रिस्क क्या है, और इंजरीज कैसे होती हैं, और किस टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है। और आज हम उनकी असेसमेंट करने जा रहे हैं कि ये सारे रिस्क जो हैं उनकी असेसमेंट कैसे करते हैं हम। आपके पास पेशेंट फॉर एग्जांपल कोई आता है इंजरी के साथ आ जाता है, पेन के साथ आ जाता है, कोई जो है बर्न के साथ आ जाता है, ठीक है, कोई हेड इंजरी के साथ आ जाता है, फ्रैक्चर के साथ आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का रिस्क पेशेंट को हो सकता है। तो हम लोगों ने असेसमेंट कैसे करनी पेशेंट की, ठीक है। असेसमेंट में पहले तो हेल्थ हिस्ट्री लेंगे हम। हिस्ट्री मैंने आप लोगों को हिस्ट्री लेने के लिए बहुत टाइम लगा के बताया हुआ कि हिस्ट्री पेशेंट की कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है इस टॉपिक के रिलेटेड बताऊँगी कि हिस्ट्री में क्या क्या हमने इन पेशेंट्स का देखना जो हमारे पास आएंगे। लेकिन मैंने बाकायदा तौर पर जो असेसमेंट है वो आप लोगों को तकरीबन 2-3 दिन लगा के पढ़ाया हुआ है के पेशेंट की असेसमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हेल्थ हिस्ट्री में असेस जनरल हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट स्टेटस टू डिटरमाइन हाउ टू क्लाइंट मैनेजेस सेल्फ केयर,
अब इसमें ये देखना है कि पेशेंट जो है अपनी सेल्फ केयर कैसे करेगा, जो उसको इंजरी हुई है उस भी उस असेसमेंट में देखना कि इंजरी हुई क्यों है, ठीक है। और उसकी अगर इंजरी हुई है तो पेशेंट की जो है मैनेज पेशेंट ने कैसे करना था उसको, ठीक है। हाउ टू क्लाइंट मैनेज सेल्फ केयर, पेशेंट सेल्फ केयर कैसे करेगा। अब सेल्फ केयर के लिए आगे मेरी यही स्लाइड ख़त्म नहीं हो रही यहीं पे, तो आगे जाके आप लोगों को और भी अच्छा समझ आ जाएगा। पेशेंट की असेसमेंट में सबसे पहले तो हेड टू टो एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं, ठीक है। अब हेड टू टो एग्जामिनेशन में हिस्ट्री लेते वक्त सबसे पहले तो हिस्ट्री में मैंने बताया हुआ था कि जो है नेकड जो है आई से जो हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। पेशेंट की जो जैसे ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा था वो तो हो ही जाएगा। जैसे पेशेंट आया, पेशेंट ने हमें आते ही बता दिया कि उसको पेन है, उसको इंजरी है या उसको फ्रैक्चर है, तो जो भी उसके साथ इवेंट हुआ वो बता देगा, ठीक है। अब हमने उसका ऑब्जेक्टिव जो है डेटा देना, ऑब्जेक्टिव डेटा मीन सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डेटा में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन ईच एंड एवरी थिंग की करेंगे। जितने भी मैंने आपको 11 हेल्थ पैटर्न बताए, वो 11 हेल्थ पैटर्न जो है वो आपने उसके ऑब्जर्व करने के, ये नॉर्मली है ये ठीक है, और क्वेश्चनिंग कर लेनी जो उससे रिलेट कर रहा है, जो जिस वक्त पेशेंट हमारे पास आया और जो उसका करंट प्रॉब्लम लेके आया हमारे पास, ठीक है, उस करंट प्रॉब्लम के रिलेटेड जो है आपने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करनी है। फॉर एग्जांपल कि उसको इंजरी है, इंजरी कहाँ पे है, इंजरी की डेप्थ क्या है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही, पेशेंट चल के आ रहा, पेशेंट स्ट्रेचर पे आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको स्टेप बताए थे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो है हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम पैल्पेशन करते हैं पेशेंट की, पैल्पेशन के बाद जो है परकशन करते हैं, फिर ऑस्कल्टेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट जो है वो चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर उसको ज़रूरत है पैल्पेट करने की तो पैल्पेट करना है हमने। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमने देखना उसका कि कौन, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन और टोटल इमोबिलाइजेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अब ये सारी हमने आता ही उसका गेट देखना, वो ऑब्जर्वेशन में देख लेना, ये कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी ऑब्जर्वेशन में आ जाना, उसकी मोबिलिटी या इमोबिलिटी जो है वो भी ऑब्जर्वेशन में आ जाना, उसका गेट और उसके हेड टू टो जो एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन में आती हैं वो सारी चीज़ें हमने चेक कर लेनी। इस पे मैं टू मच डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं असेसमेंट की डिटेल में चली गई तो मेरे 2 घंटे सिर्फ असेसमेंट में गुजर जाएंगे। आई होप कि असेसमेंट की आपको अच्छी तरह समझ आई है। जब मैंने नर्सिंग केयर प्लान आपको बताना सिखाया था तो असेसमेंट के सारे स्टेप, सारे पॉइंट मैंने 1 by 1 आप लोगों को डिस्क्राइब किए थे जी। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन मैंने बताया था आप लोगों को कि ये लोकल एरिया का इन्फेक्शन जो होगा वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा, ठीक है, किसी एक ऑर्गन या एक किसी लोकल जो है एरिया का इन्फेक्शन। अब उसमें रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, वार्म होगा वो एरिया, टेंडरनेस होगा, पेन एंड लॉस ऑफ मूवमेंट, वहाँ मूवमेंट नहीं होगी। अब एक एरिया का जो इन्फेक्शन या एक एरिया जो डैमेज होगा उसको हम लोकल, या एक एरिया का इन्फेक्शन होगा तो हम बोलेंगे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। अब सिस्टमिक इन्फेक्शन जो है वो लोकल एरिया से जो इन्फेक्शन बढ़ता हुआ पूरे सिस्टम में चला जाता है। फीवर, वीकनेस, फीवर तब होता है जब पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। जब हमें सोर थ्रोट होता है तो सिर्फ हमारे गले में जो है पेन होती है, फीवर नहीं होता। जब ये इन्फेक्शन जो है सिस्टम पूरे सिस्टम में चला जाता है तो फिर फीवर होता है। फिर वीकनेस भी तब ही फील होती है जब पूरे सिस्टम में जो है इन्फेक्शन जाता है तो वीकनेस फील होती है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक तब से है जब सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। अब नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया की बात करें कि जब डायरिया होता है या नोजिया वॉमिटिंग होती तो पूरी जैसे वीकनेस भी हो जाती है, लिथार्जी हो जाती है, फीवर टाइप हो जाता है,
क्रैम्प्स पड़ते हैं, लोअर लेग्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं और एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा। अब सक्रीशन फॉर एक्सुडेट जो है, इसमें जो है सक्रीशंस मीन के मैस ऑफ सेल एंड फ्लूड, कुछ सक्रीशंस लेके उसको चेक करना ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रोंकाई या जो है वीज इन द लंग्स, ठीक है। अब जो है इनकी जो सक्रीशंस है, अब इन्फेक्शन का बताया कि या तो लोकल इन्फेक्शन है, सिस्टमिक इन्फेक्शन है, या फिर सक्रीशंस आ जाती हैं जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट से जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो वो सोर थ्रोट तो एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन था ना, जब उसको मैनेज नहीं किया गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया तो सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया। अब सिस्टमिक इन्फेक्शन में वो पूरे सिस्टम में एक तो जो है फीवर होना स्टार्ट हो गया जब पूरे बॉडी में इन्फेक्शन चला गया, और दूसरी बात है सक्रीशन स्टार्ट होती है। अब सक्रीशन जो है वो जो है वो उनका ताल्लुक जो है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से है, गले से जो सक्रीशन आ रही हैं, फिर ब्रोंकाई या वीज जो है इन दी लंग्स, ठीक है। इन ये जब हम जो है कफ आती है और कफ के साथ सक्रीशन आती हैं तो इट मीन्स के इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब यहाँ तक बंदा पहुँच जाता है, पेशेंट जो हमारे पास है, तो क्या होगा, उसको फीवर भी मस्ट हो जाएगा साथ। रिस्क फैक्टर क्या है? यूज स्पेसिफिकली डिवेलप रिस्क असेसमेंट टूल्स टू डिटेक्ट पोटेंशियल हैजर्ड इन द एनवायरनमेंट। अब ये रिस्क फैक्टर कैसे होना है कि जो हैजर्ड्स है एनवायरनमेंट में, ठीक है, उनको हमने असेसमेंट करना है कि जैसे एनवायरनमेंट हमारा है, अगर पानी कंटेमिनेटेड वाटर है तो उसका रिस्क क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, ठीक है, डायरिया वॉमिटिंग हो सकता है, या कोई जो जैसे मैंने बताया था क्लस्टर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है किसी रूम में या जो है सेम के अंदर रख दिया जाता है तो उससे क्या होगा, रिस्क फॉर इंजरी हो सकता है, ठीक है। ये जो है ये हैजर्ड्स होंगे पोटेंशियल, इनकी हमने असेसमेंट करनी है कि कौन से हैजर्ड्स हैं जिसकी वजह से जो है पोटेंशियली रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इन पेशेंट क्लाइंट शुड बी असेस्ड फॉर फॉल एंड इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर्स। पहले ये हम जो है प्रिवेंटिव मेजर में आप लोगों को बता रही हूँ कि पेशेंट की हम एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर या जो है हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होते हुए हमें क्या होना होगा कि प्रिवेंशन मेजर करनी है। सबसे पहले तो हमने इस रिस्क देखने के पोटेंशियली कोई हैजर्ड होने वाला है और उसकी असेसमेंट करने के क्यों होने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी, अगर कोई चीज़ अरेंजमेंट में नहीं रखी हुई रूम में, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि कारपेट जो है उसका कॉर्नर नॉर्मल नहीं होगा, क्लस्टर ऑफ थिंग्स होंगी, लाइट जो है वो ऑन नहीं होगी, इस ये एग्जांपल्स दे रही हूँ, सो मैनी थिंग्स इस तरह की, ठीक है। और पेशेंट जो है सर्च फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन क्यों हो सकता है, इसका मैंने कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर बता दिया। और दूसरा हैंड वॉशिंग, अगर उसने हैंड वॉशिंग नहीं किए हुए तो भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इंजरी रिस्क अप्रेजल कैन बी डन टू डिटरमाइन द क्लाइंट्स लेवल ऑफ सेफ्टी इन द होम। अब होम में मैंने बहुत सारी आपको चीज़ें बता दी है कि इंजरी होम में जो हो सकती है, तो वो हमने अपना होम इन्वायरमेंट चेक करना कि किस चीज़ से अकॉर्डिंग टू एज जो है इंजरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको रिस्क फैक्टर अभी बता रही हूँ, ये स्लाइड्स मैंने आपको वन बाय वन पढ़ा दी हुई हैं कि होम में इंजरी कैसे हो सकती है, वर्क प्लेस में इंजरीज या रिस्क फैक्टर कैसे हो सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में कैसे हो सकते हैं, ठीक है। डिसअरेंज ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्स्टेकल्स जो है डिसअरेंज की होंगी, और इनएडिक्वेट लाइटिंग होगी, नॉट अप्लाई जो है डिस्टेंड। आप पूछेंगे कि ये क्या होता है, बेड की साइड जो है उसके जो है हैंडल कह लें, बेड के जो है साइड रेल्स कह लें, वो जो है वो अप्लाई करने मस्ट होते हैं, अदरवाइज पेशेंट जो है बेड से गिर जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने ये भी दी थी कि हम तो पेशेंट कहते हैं ना, घर में बच्चा भी गिर सकता है। समटाइम जो है हम अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं बेड पे, तो साइड लेते हैं तो बेड की साइड्स नहीं होती, ठीक है, रेल्स नहीं होते, तो समटाइम बड़े भी गिर जाते हैं।
तो इसके लिए जो मैनेज करने के लिए प्रिवेंशन क्या करनी है, हॉस्पिटल में तो बेड के रेल्स होंगे बट घर में मैंने बताया था कि पिलो रख देते हैं साइड पे। डायग्नोस एंड लेबोरेटरी डेटा भी साथ में, जैसे हमने रिस्क जो है देखे कि रिस्क फैक्टर कौन से हो सकते हैं, तो उस उन रिस्क फैक्टर के अलावा हमने लैब टेस्ट भी कुछ करवाने होते हैं। असेसिंग रिस्क फॉर इंजरी शुड ऑल्सो इंक्लूड ऑन एवेल्यूएशन ऑफ ब्लड प्रोफाइल टू डिटेक्ट एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। अब हमने कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं जिसमें जब मैंने आपको असेसमेंट कही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है नॉर्मली जो है ब्लड प्रोफाइल करवा लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो है ब्लड जो है यहाँ उन्होंने जो एग्जांपल दी है उसमें बताया हुआ कि फाइंडिंग सच एज अल्टर्ड क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर अल्टर है या अनीमिया है, कंडीशन ऑफ जो है लीकोसाइटोसिस, लीकोसाइट्स उसके नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अब ये जो अल्टर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है तो क्या होगा, तो ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, ब्लीडिंग होगी। इसकी दो तीन रीजंस हो सकती हैं अगर उसका अल्टर्ड, एक तो मैंने एग्जांपल दी कि रिस्क फॉर इंजरी, वो होम हैजर्ड्स जो हो सकते हैं, हॉस्पिटल हैजर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लड में कोई जो है ब्लड टेस्ट हमने करवाए तो उसका क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मल नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मल नहीं है तो उसको छोटी सी इंजरी से भी ब्लीड कर जाएगा और पेशेंट को इंजरी हो जाएगी। और क्लॉटिंग फैक्टर जब अल्टर होता है तो पेशेंट को इंजरी छोटी सी भी हो जाए तो उसका ब्लड जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड क्लॉटिंग क्लॉट, जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट को जो है क्लॉटिंग फैक्टर फौरन से आके क्लॉट बना देता है, तो यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉट नहीं बनाएगा और पेशेंट को इंजरी होगी, पेशेंट की इंजरी हुई और पेशेंट तो है गिर जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें जो है अनीमिक है पेशेंट, तो अनीमिक है तो पेशेंट किसी वक्त भी अनीमिया की वजह से गिर सकता है और उसको इंजरी हो सकती है। क्लॉटिंग फैक्टर में वेरिकोस वेन की एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, जब वेरिकोस वेन होंगी तो पेशेंट गिर सकता है, ठीक है। और लीकोसाइट कम होंगे तो पेशेंट को क्या होगा, इन्फेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा। नर्सिंग डायग्नोज फिर हमने कैसे कर देंगे, हमने देखा कि जो हमारे रिस्क फैक्टर थे होम में रिस्क फैक्टर जो है वो क्या थे, वर्क प्लेस पे क्या थे, हॉस्पिटल्स पे क्या थे और हमारी इन्वायरमेंट में नॉर्मली क्या है। अब जो नर्सिंग डायग्नोज है, मैंने आपको बताई थी कि नर्सिंग डायग्नोज में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक वर्ड जो है उसमें रिस्क फॉर इंजरी कह सकते हैं। अब जो है इंजरी जो है किसी चीज़ की भी हो सकती है, ठीक है। इंजरी जो है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अगर हम इसको रिलेट कर दें, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू जो है क्लस्टर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एक्सीडेंट, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अनीमिया, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू क्लॉटिंग फैक्टर, जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। आगे है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू नोजोकोमल इन्फेक्शन हो सकते हैं, रिस्क फॉर इन्फेक्शन जो है रिलेटेड टू हैंड वॉश नहीं किए हुए, ठीक है, रिलेटेड टू अनहाइजीनिकल कंडीशन, ठीक है। सेल्फ, अब जो है ये मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोज बताई थी कि नर्सिंग डायग्नोज की भी टाइप होती हैं। सबसे पहले तो हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जब रिस्क फैक्टर को मैनेज नहीं किया जाता है तो फिर करंट सिचुएशन आ जाती है, जिस चीज़ का रिस्क होता है वो हो जाता है, ठीक है। अगर हम ये जो रिस्क इंजरी के जितने रिस्क थे तो उनको हमने मैनेज नहीं किया, या इन्फेक्शन के रिस्क थे, हैंड वॉशिंग टेक्निक नहीं की इन्फेक्शन में, हमने बॉइल्ड वाटर नहीं दिया, हमने कुक्ड फूड नहीं दी, हमने बैरियर ऑफ इन्फेक्शन चेन ऑफ इन्फेक्शन के बैरियर को मेंटेन नहीं किया, हमने मास्क नहीं लगाया, हमने किट नहीं पहनी, ठीक है, हमने हैंड स्टरलाइजेशन टेक्निक एसेप्टिक टेक्निक का मैंने जो है अपनी स्लाइड पे पढ़ाया आपको, वो यूज़ नहीं की तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सेल्फ केयर डेफिसिट,
सेल्फ केयर डेफिसिट जो है, पेशेंट अपनी केयर जो है वो नहीं कर रहा, अपनी सेल्फ केयर जो उसको करनी थी, तो अगर सेल्फ केयर उसकी नॉर्मल होती, डेफिसिट ना होती, तो उसको रिस्क फॉर इंजरी और इन्फेक्शन जो है इसके चांसेस जो है बहुत कम होने थे, ये रिस्क फैक्टर। ठीक है, अब सेल्फ केयर डेफिसिट जो है वो क्यों है, रिलेटेड टू आप अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, कि आपके पास पेशेंट जो आया वो सेल्फ केयर नहीं कर रहा, रिलेटेड टू जो है इनएडिक्वेट नॉलेज कह लें। ठीक है, सेल्फ केयर डेफिसिट में रिलेटेड टू इनएडिक्वेट नॉलेज, उसको नॉलेज ही नहीं था कि उसने सेल्फ केयर कैसे करनी है। ठीक है, अब क्लाइंट हु आर एट रिस्क फॉर इंजरी एंड इन्फेक्शन और हैव अ सेल्फ केयर डेफिसिट में हैव अदर प्रॉब्लम एज वेल, जब इस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं या सेल्फ केयर डेफिसिट होती है, तो इन तीन चीज़ों के अलावा भी उसको बहुत सारे जो है डायग्नोज हो सकती हैं, रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर यू विद मी? आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग। तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताई कि पेशेंट के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, जो इतने दिनों से मैं आपके साथ हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उन हैजर्ड्स की आपको जो है असेसमेंट बताई है कि असेसमेंट कैसे करनी है। असेसमेंट के बाद मैंने डायग्नोज बताया कि डायग्नोज क्या होता है। ठीक है, डायग्नोज कैसे करनी है पेशेंट की। थैंक यू सो मच। जी, डायग्नोज कैसे करनी है, डायग्नोज के बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं ना। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस वक्त आउटकम, जो हम चीज़ प्लान करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन तो हमने कर देनी है उसकी, लेकिन प्लान करते वक्त हमने आउटकम का ख्याल रखना है कि इसका अवेल्युएशन क्या होगी। जो हम चीज़ प्लान करने जा रहे हैं, यस ओके स्टूडेंट यू आर विद मी? जी, जब हम प्लानिंग करते हैं, मैं आपको बेटा प्लानिंग करना बता रही हूँ, डायग्नोज के बाद हमने कैसे प्लानिंग करनी। जो चीज़ हम प्लान करने जा रहे हैं उसका सबसे पहले तो हमने आउटकम देखना होता है कि इसका आउटकम क्या होगा, इसकी अवेल्युएशन जो है वो क्या होगी। द गोल इज टू मैनिपुलेट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन। अब प्लानिंग में जितने भी रिस्क थे इंजरी के, ठीक है, वो सारे रिस्क को हमने रिड्यूस करना। अब एन अदर क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ केयर प्लान इज क्लाइंट केयर गिवर एजुकेशन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिसेस। अब नंबर वन तो जो प्लान हमने करना है वो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल जो है, उसमें शॉर्ट टर्म तो फौरन से हमने उसकी जो भी जो हमारे पास करंट सिचुएशन के साथ या करंट प्रॉब्लम के साथ आया वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल था, उसको हमने मैनेज कर देना। पेन है तो पेन को मैनेज कर दिया, ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को मैनेज कर दिया, इंजरी है तो ड्रेसिंग कर दी। ठीक है, और अगर हमारे लॉन्ग टर्म गोल में जो है उसके जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उन सब को हमने पेशेंट को एजुकेट करना, पेशेंट को क्या करना। एंड अदर क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द केयर प्लान इज क्लाइंट केयर गिवर एजुकेशन। एक तो केयर गिवर को एजुकेट होना चाहिए कि अब उसने उसको बताना क्या है। ठीक है, जितने भी हैजर्ड्स हो सकते हैं या हुए हैं, नेक्स्ट उससे प्रिवेंशन कैसे करनी है, ये केयर गिवर को एजुकेशन पहले होना पड़ता है। जब उसको एजुकेट हो जाता केयर गिवर, तो वो अपने क्लाइंट को एजुकेट करता है ताकि जो जिस सिचुएशन या जिस प्रॉब्लम के साथ वो हमारे पास आया है नेक्स्ट टाइम वो ना हो। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिसेस। और एक तो हमने उसके पोटेंशियल हैजर्ड्स का एजुकेट करना उनको, दूसरा हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिसेस करवानी है। अब आप पूछेंगे कि हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिसेस क्या करवानी है। कुछ प्रैक्टिसेस जैसे हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस करके दिखानी है आप लोगों ने। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिसेस हेल्थ इसमें आप हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस करके दिखानी है उनको। अब जो हमने प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, हमने करना रेल सेफ्टी अवेयरनेस एंड नॉलेज। पेशेंट के
जो है सेफ्टी अवेयरनेस जितनी भी है उनको इंक्रीज करना है. कैसे इंक्रीज करना, उसको नॉलेज देना, ठीक है, एजुकेट करना है. फिर प्रिवेंटिव फॉल्स जो है अप्लाई रिस्ट्रेंट्स, ठीक है. रिस्ट्रेंट्स जो है वो मैंने बताया कि बेड के जो साइड पे रेल्स होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने रिव्यू प्रोसीजर. अब जो मैंने बताया था कि अगर घर में अगर बेड के रेल्स नहीं होते, रिस्क फॉर जो है इंजरी ओल्ड एज पेशेंट हमारे या फिर हमारे बच्चे जो है, ठीक है, चिल्ड्रन, वो बेड से गिर जाते हैं, तो बेड की साइड पे जो है ये कोई हॉस्पिटल बेड तो नहीं, यहाँ पे हमने क्या करना, पिलो अप्लाई करना. इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग. अब लाइटिंग का भी मैंने अपनी स्लाइड्स में आपको बहुत बताया हुआ था कि अकॉर्डिंग टू एज जो है वो लाइटिंग से किस तरह से इंजरी होती है. अगर एडिक्वेट लाइट नहीं है तो अपने रूम से ही इंजरी हो सकती है. एडिक्वेट लाइट नहीं है तो वॉशरूम से इंजरी हो सकती है, ठीक है. रिमूव ऑब्स्टेकल्स, ठीक है. अब जो है रिमूव ये ऑब्स्टेकल्स जो है थिंग्स जो किचन में, सेन में, रूम्स में, मैंने बताया था कि क्लस्टर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ी होती है, उनको हमने अरेंजमेंट करना, ठीक है. हर चीज़ को अपने घर में, अपने हॉस्पिटल में, अपनी इन्वायरमेंट में जो चीज़ यूज़ करते हो उसको जो है अगर अरेंज रखी हो तो एक्सीडेंट या इंजरी के रिस्क जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएंगे. रिड्यूस बाथरूम हैजर्ड्स, मैंने आपको बता दिया कि बाथरूम में जो चीज़ें हैं जैसे टॉप बाल्टी या कोई फिसलन वाला फर्श है तो उसको साफ करना है. प्रिवेंट फायर, प्रिवेंट फायर तो जो है आउट ऑफ रेंज जो है बच्चों की जो है फायर की चीज़ें रखनी चाहिए कि बच्चे जो है माचिस जला देते हैं, ठीक है, या बच्चे जो है वो चूल्हा जलता हो तो उसके साथ हाथ लगा लेते हैं तो बर्न हो जाते हैं, या समटाइम जो है आफ्टर जो है कुकिंग जो है उसके बाद जो है देश की उतारी नीचे रख दी तो क्या होता है बच्चे हाथ चला लेते हैं. तो इसके इसकी प्रिवेंटिव मेजर करने के लिए जो है आउट ऑफ रेंज चीज़ों को रखना चाहिए ताकि बच्चों और बड़ों की आउट ऑफ रेंज. और ख़ुद भी ये चीज़ें किचन में काम करते हुए जहाँ जो है फायर के जो है आपको रिस्क फैक्टर्स है वहाँ क्या करना, थोड़ा डिस्टेंस रखना. वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं खाना पकाते वक्त चल जाते हैं, जो आजकल की बच्चियाँ उनसे कहें कि किचन में जाएं जी जो चाय बना के लाएं, वो क्या करती हैं या तो बेचकी के साथ हाथ लगाती हैं तो जल जाता है, या चाय बनाने के बाद जब चाय कप में डालनी होती है, ठीक है, तो उसको क्या करती हैं कप में डालते डालते अपना हाथ चला लेती हैं. ये प्रिवेंटिव मेजर करना है कि देख के आप लोगों ने काम करना है. इंश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेव करना, जो अरेंज करके रखनी जो वायर चाह हमारे जितने प्लग जो है उनको जो है स्टॉप करके रखना, ठीक है. अगर समटाइम इसकी एग्जांपल मैंने बताई थी कि कोई अरेंजमेंट जो है घर में वायर्स का नहीं होता, हम जो है एक्सटेंशन लीड लगा के छोड़ देते हैं और या जो है प्लग्स नीचे बच्चों की अप्रोच तक होते हैं तो बच्चे वहाँ उंगली डाल देते हैं, ठीक है. इन चीज़ों को जो है हम प्रिवेंटिव मेजर करना. रेड्यूस एक्सपोजर टू रेडिएशन. अब रेडिएशन का भी मैंने अपनी स्लाइड्स पे बताया था कि रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज की रेडिएशन, तो इन जगहों पे जो है बच्चों और बड़ों को तो जाना ही नहीं चाहिए. दूसरा, अगर कोई वर्क प्लेस पे काम करता तो उसके लिए जो है उस गाउन पहन के काम करना चाहिए, ठीक है. प्रिवेंट पॉइजनिंग. अब प्रिवेंट पॉइजनिंग, कोई ऐसी चीज़ जो है वो पॉइजनिंग वाली सामने ना रखे और जो है, ठीक है. रेड्यूस नॉइस पोल्यूशन, रेड्यूस नॉइस पोल्यूशन. अब मैं तो छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें बताऊंगी ना आप लोगों के, जो रोज़मर्रा. अब नॉइस पोल्यूशन को रेड्यूस कैसे, वो तो हमारा काम नहीं, वो तो गवर्नमेंट का काम है. लेकिन बिल्डिंग बनाते वक्त जो भी प्लाजा बनाना या बिल्डिंग बनाना, तो वो उसमें नॉइस जो है इस टाइप की बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें जो है नॉइस ज़्यादा ना आए, ठीक है. जिसकी एग्जाम्पल मैंने बताई थी कि एक दफ़ा हम जो है मॉल में गए थे तो वहाँ पे इतना नाइस था कि उन्होंने नाइस फ्री जो है बिल्डिंग नहीं बनाई हुई. तो नाइस से क्या होता है जो सेल्फ केयर जो है कोऑपरेटिव फैक्टर जो है हमारा उस पर इफेक्ट होता है. उससे क्या होता है स्ट्रेस होती है, ठीक है. जब बंदे को
कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा टेस्ट पे रह नाइस पे रह रहे हैं तो स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस से सो मैनी डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, अब जो है नाइस का, अगर हम घर में हैं, अगर हम घर में हैं, नाइस आ रहा बाहर से, रिक्शे की आवाज़ आ रही है रोड से, और जो है हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, उन उसका नाइस कम करने के लिए हम अपने डोर्स और विंडो बंद कर सकते हैं। इंश्योर एयर सेफ्टी, मेडिकल एयर सेफ्टी, हैंड वॉशिंग आपने बतानी है, ठीक है, और मेडिकल एयर सेफ्टी जो है इसमें मास्क लेना, स्टरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये जो इन चीज़ों को लाजमी करना है आप लोगों ने मेडिकल एयर सेफ्टी में। हैंड वॉशिंग टेक्निक तो रोज़मर्रा हमारे जो है घर में भी आजकल तो हर बंदे को हैंड वॉशिंग टेक्निक जो है वो आ गई हुई है, लेकिन फिर भी जो है मैं अकॉर्डिंग टू जो है अपने अकॉर्डिंग टू जो है टॉपिक आपको बता रही हूँ कि आपने हैंड वॉशिंग टेक्निक बतानी है, ठीक है। तो और दूसरा जो है ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे करना है, ठीक है, ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन में बहुत दफ़ा मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो आप लोगों ने करनी है कि बाइल वाटर करना है, ग्लव्स पहने हैं और मास्क पहने हैं, डिस्टेंस रखना है। अब इन चीज़ों का तो सबको पता चल गया, ठीक है। सर्जिकल एसेप्सिस, ये जो थी मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस, सर्जिकल मेडिकल एसेप्सिस ये कि आप लोगों को कोई इन्फेक्शन हो ना जाए, ठीक है, रोज़मर्रा यूज़ की चीज़ें, और दूसरों को अगर इन्फेक्शन है तो हमने कैसे बचना, या चीज़ों को जो है वाटर और फूड को किस तरह से हमने खाना, फूड प्रिजर्व कैसे करना, फूड की कटिंग कैसे करनी, फूड को वॉश कैसे करना, ये सारी चीज़ें जो है मेडिकल एसेप्सिस में आती है कि हमने इन चीज़ों को चेन ऑफ ब्रेक कैसे करना, हर चीज़ को वेल वॉश्ड एंड वेल कुक्ड करना। सर्जिकल एसेप्सिस मीन के सर्जरी, जब किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है तो हमने स्टरलाइज्ड एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी। मैंने एसेप्टिक टेक्निक में बताया था कि ईच एंड एवरी थिंग जो पेशेंट के लिए हमने यूज़ करनी है, उसके लिए सबसे पहले तो जो पेशेंट को गाउन पहनाना वो स्टरलाइज हो, जो डॉक्टर ने गाउन पहनना और नर्स ने गाउन पहनना वो स्टरलाइज हो, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वो स्टरलाइज हो, जो ट्रॉली पेशेंट के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली यूज़ करनी वो ट्रॉली स्टरलाइज हो, ट्रॉली के ऊपर सबसे पहले हम मैकिंटॉश जो है वो रबर शीट होती है वो स्टरलाइज करके डालते हैं, और उसके बाद ड्रॉ शीट डालते हैं, उसके बाद जो है फिर हम इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट जब रखते हैं तो उस वक्त जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है इंस्ट्रूमेंट के लिए, फिर हैंड स्टरलाइज करते हैं। डॉक्टर और नर्स जो है एसेप्टिक टेक्निक हैंड वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिर उन्होंने एसेप्टिक टेक्निक जो है ग्लव्स यूज़ करने, यहाँ पे तो हम जो आजकल ग्लव्स पहन रहे हैं ना वो नॉर्मली ग्लव्स पहन लेते हैं, बट सर्जिकल टेक्निक जो ग्लव पहनने की है वो अलहदा है, उसमें एक टेक्निक है। जब आप आओगे, आप लोगों को जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे स्किल लैब में प्रोसीजर करवाने हैं, तो उसमें मैं बताऊँगी कि ग्लव्स पहनने, जैसे आप ग्लव्स, एक तो ग्लव्स पहन लेते हैं वो, और सर्जिकल टेक्निक कौन सी है, ठीक है, ग्लव्स पहनने की, वो सर्जिकल टेक्निक्स होती है जिसमें हम खुद भी ग्लव्स को इनसाइड दी ग्लव्स टच नहीं कर सकते, जो डोनिंग स्टरलाइज ग्लव्स, ये बात हो चुकी है बार बार। सर्जिकल क्लोथिंग की भी बात होगी, हैंड वॉशिंग की भी बात होगी, गॉनिंग एंड क्लोज जो है ग्लविंग, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि ग्लव और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और हैंड वॉशिंग कैसे करने। जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं वो दूसरी टेक्निक से जो है वो चेंज है। जब आप आओगे तो आप लोगों को ये स्किल लैब में प्रोसीजर करके दिखा देंगे, ठीक है। अभी तो आप लोगों को सिर्फ जो है मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको यू नो कि मेरा एक लेक्चर जो है आप लोगों को थ्योरी का होता है और दूसरा प्रैक्टिकल का। आप अगर मेरे यहाँ साथ होते तो आप लोगों को ये टेक्निक्स मैंने साथ साथ बताते जाना था। रिड्यूस और एलिमिनेट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। अब जो है क्लिनजिंग करके, अब रिड्यूस और एलिमिनेट द इन्फेक्शियस एजेंट, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन और
क्लिंचिंग का मतलब है जब एक तो क्लिंचिंग, हैंड वॉशिंग को क्लिंचिंग नहीं कहना, यहाँ पे सर्जिकल क्लिंचिंग क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को एक तो क्लीन करना, और दूसरा जो है जो ऑपरेशन थिएटर होता है ओटी ऑपरेशन थिएटर, उसकी हम वॉल्स और उसके बेड की क्लीनिंग भी करते हैं, उनको भी स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मालिन जो है वो सॉल्यूशन होता है जिसके साथ हम जो है दीवारों को भी वॉश करते हैं और जिसके साथ उसके बेड्स को भी वॉश करते हैं, इलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट इलिमिनेट करने के लिए। डिसइंफेक्शन मीन स्टरलाइजेशन के जितने मैंने तरीके बताए, और डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट जितनी भी है उसको डिस्पोज करना है, कवर अप कर, जितनी भी हमने इन्फेक्शियस जो है वेस्ट मटेरियल उसको जो जब आप वापस आओगे तो आपको हॉस्पिटल लेके भी जाया जाएगा, और यहाँ पे थ्योरी में भी बताया जाएगा कि इन्फेक्शियस वेस्ट जो है वो तीन जगहों पे रखे जाते हैं, ठीक है। एक में जो है ड्राई वेस्ट मटेरियल डाला जाता है, और दूसरे में जो है वो ग्लासेस डाले जाते हैं और सिरिंजेस डाली जाती हैं, और एक जो है वो बकेट लगाई जाती है जिसमें इन्फेक्शियस वेस्ट में वो चीज़ें जिसके साथ इन्फेक्शन लगा हो। फॉर एग्जांपल पेशेंट के टिश्यू सर्जरी की बात हो रही थी कि जो इन्फेक्शियस टिश्यू ऑपरेशन करते हुए पेशेंट के कट किए हैं, उन इन्फेक्शियस मटेरियल को या कोई पस या कोई ब्लीड या कोई जो वो क्लोथ जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो सारी चीज़ें जो है उनके लिए बिन अलहदा होता है, ठीक है, जहाँ पे उनको डाला जाता है और उनको डिस्पोज किया जाता है। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एंड आइसोलेशन प्रीक्वेशंस कैसे करने, कॉन्टैक्ट प्रीक्वेशंस डायरेक्ट मैंने बताया था कि डायरेक्ट, जैसे आजकल इस टॉपिक के रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत अच्छी अच्छी हैं कि डायरेक्ट प्रीक्वेशंस नहीं करनी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना हमने किसी के साथ, ठीक है, प्रीक्वेशंस करनी उसे, कि इसीलिए तो डिस्टेंस रखा जाता है कि किसी को डायरेक्ट टच ना करें। ये हमारी जो करंट सिचुएशन चल रही उसमें भी, और रूटीन में अगर हमारा पेशेंट हमारे पास कोई आ जाए, जैसे हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है या कोई ऐसे इन्फेक्शन का पेशेंट है, उसको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है उसमें ब्लड भी आ जाता है, जैसे हम एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टच करते हैं पेशेंट को, दूसरा जो है हमारा ब्लड हम देते हैं पेशेंट को डायरेक्ट, ठीक है, हमारे ब्लड से एक दूसरे को इन्फेक्शन चला जाता है। दूसरा ड्रॉपलेट प्रीक्वेशंस करनी है, ड्रॉपलेट मेथड वो है कि जब हम बात करते हैं तो हम मास्क ले रहे हैं ना, आजकल मास्क लेने का मतलब ये है कि जो हमारी सांस से जब हम बात करते हैं तो एक ड्रॉप गिरता है और वो ड्रॉप दूसरे के मुंह पे जाके गिरता है, ठीक है, और उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी प्रीक्वेशन करने के लिए हमने एक तो डिस्टेंस रखना है ड्रॉपलेट मेथड से, और दूसरी चीज़ ये कि हमने मास्क को लाजमी रखना है, ये ड्रॉपलेट प्रीक्वेशंस है, एयरबोर्न प्रीक्वेशंस। अब जिस तरह मैंने बताया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन हो जाएगा, ड्रॉपलेट मेथड से इन्फेक्शन हो जाएगा, इनकी प्रीक्वेशंस हो जाएगी। कुछ इन्फेक्शन हमारी एयर में है, ठीक है, जैसे मैंने नोजोकोमल इन्फेक्शन बताया था, और जिस तरह हमारी इन्वायरमेंट में पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है हमारी, ठीक है, सो मैनी बैक्टीरिया वायरसेस जो है हमारी इन्वायरमेंट में होते हैं, तो इन्वायरमेंट से बचने के लिए हमने क्या प्रिकॉशंस करनी है, मास्क लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ग्लासेस लगाने, ये हमारी क्या है, एयरबोर्न जो है प्रिकॉशंस है। अल्टरनेटिव थेरेपीज जो है और क्या हो सकती है, इसमें जो है कुछ यहाँ पे बाथ का जिक्र आया है, हर्बल बाथ फॉर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, फुल बॉडी पार्ट, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये भी इन्फेक्शन से, ये प्रिवेंशन मेजर है। अब हम बाथ क्यों लेते हैं,
बात इसलिए लेते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बॉडी से उतर जाए। इसमें अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो बात फार स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट ये तो आपको बात का तो यही पता है कि हम नहा लेते हैं तो बात दे दिया। अगर हमारे पास पेशेंट बेड केस आया है तो हमें उसके स्पेसिफिक एक बॉडी पार्ट को जो है बात देना होता है, या तो हम फुल भी बॉडी बात दे देते हैं। हम अपने बेड केसेस जो पेशेंट होते हैं उनको डेली फुल बात नहीं दे सकते, ठीक है। उनकी हम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अगर एक लेग का बात देना है तो एक लेग, अगर ब्लीडिंग हुई है वहाँ से पास डिस्चार्ज हो रहा है तो उसी बॉडी को हमने, उस पार्ट को जो है वो हमने बात देना होता है, ठीक है। अब ये जो है बेड बात, पार्शल बात और फुल बात जो है ये देना मैंने आप लोगों को जो है लैब में बताना है। अब अगर अल्लाह करे सिचुएशन नॉर्मल हमारी आ जाए, इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे पास आना तो है ना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं कि हमने पेशेंट को जो है पार्शली बात कैसे देना, वन बॉडी पार्ट का बात कैसे देना और फुल बात कैसे देना, ये कंप्लीट एक प्रोसीजर है जो करके दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको वाइटल साइंस के प्रोसीजर करके दिखाए थे उसमें, और ठीक है, और इसी तरह ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को करके दिखाने हैं। हर्बल फॉर इन्फेक्शन, कुछ हर्ब्स जो है वो भी इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जैसे नीम का दरख्त है, ठीक है, नीम का हम बात पेशेंट को देते हैं या पेशेंट को जो है स्टरलाइज करते हैं या उसका वूंड वॉश करते हैं तो एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन के साथ साथ हर्ब इन्फेक्शन जो है हर्ब यूज़ करते हैं। नीम का एक दरख्त होता है जिसके लीव्स जो है उनको बॉइल करके वो भी एक एंटीसेप्टिक लोशन सोलूशन बन जाता है। उसके साथ भी हम जब बॉडी वॉश करते हैं, जैसे हम अब कहते हैं जी नहाने के बाद थोड़ा सा जो है एंटीसेप्टिक लोशन उसमें डाल दें, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम नीम के पत्ते जो है बॉइल करके रख लें, उसको थोड़ा सा वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। प्रोवाइड फॉर क्लाइंट बाथिंग नीड, क्लीनिंग बाथ, शावर बाथ, क्यूब बाथ, सेल्फ हेल्प बाथ, कंप्लीट बाथ एंड पार्शल बाथ, बाथ की बात मैंने बताई है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोसीजर्स की है। यहाँ मैंने आप लोगों को लिंक सेंड, अभी तक मैंने बात के आपको लिंक सेंड नहीं किए क्योंकि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रख रही हूँ कि ये टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप हमारे साथ आएंगे तो मैं आपको लाइव प्रोसीजर करके दिखा दूँगी। अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो फिर मैं आपको इनके लिंकेजेस जो है वो सेंड कर दूँगी, ठीक है। या तो हम कोई जो इसके लिए हम कोई टेक्निक यूज़ करेंगे, कोई ना कोई चीज़ करेंगे, या स्किल लैब में प्रोसीजर करके उसकी वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करेंगे, ठीक है, और या फिर हम आप लोगों को कोई लिंकेज सेंड करेंगे अगर ये सिचुएशन नॉर्मल ना हो तो। उसमें शावर बाथ, जो शावर से बात देना है पेशेंट को, ट्यूब बाथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर पेशेंट हमारा शावर के नीचे नहीं दे जा सकता तो हमने पाइप से ट्यूब लेके उसके साथ पेशेंट को बात देना है। फिर सेल्फ हेल्प बाथ, या पेशेंट खुद जो है बात ले रहा है तो हमने उसको असिस्ट करना और उसकी हेल्प करनी है। कंप्लीट बाथ जो है कंप्लीट पूरे बॉडी का बाथ जो है वो बेड बाथ, बेड पे लेटे लेटे पेशेंट को बाथ देना होता है। पार्शल बाथ मैंने बताया कि पार्शली किसी एक पार्ट का जो है वो बाथ देना होता है। हमने हाफ बॉडी का जो है बाथ देना, हमने किसी एक जो है बॉडी पार्ट का, लेग का, आर्म का, या हमने पेशेंट की हेयर केयर करनी है, हमने पेशेंट का सिर्फ हेड वॉश करना, पेशेंट के हेयर वॉश करने, ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं ये आप लोगों को लैब में करके दिखाने वाले। बेटा मैं दोबारा जो आपको बता रही हूँ कि ये सारे बात के जो प्रोसीजर्स हैं, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो आप लोगों को मैं अपनी स्किल लैब में प्रोसीजर करके दिखा दूँगी। अगर सिचुएशन नॉर्मल ना हुई तो मैं इसके वीडियो क्लिप बना के आप लोगों को अटैच कर दूँगी, ठीक है, या फिर कोई ना कोई आपको लिंक सेंड कर दूंगी।
थेरापिटिक बाथ, हॉट और वार्म बाथ, ट्यूब बाथ, कूल और टैप बाथ और शीट्स बाथ। अब ये सारे बाथ के प्रोसीजर हैं जो मैं बता रही हूँ, ये भी अपने पेशेंट को जो है रिस्क रिड्यूस करने के लिए या फिर पेशेंट की जो है हेल्थ को नॉर्मल करने के लिए या अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिज़ायर के लिए या जो है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो है या पेन मैनेज करने के लिए जो है पेशेंट को ये सारे बाथ की जो टाइप्स हैं वो करवाते हैं। हॉट और वार्म बाथ पेशेंट को सूद रखने के लिए, पेशेंट को अगर इन्वायरमेंट कोल्ड है तो हम हॉट वाटर जो है हॉट और वार्म वाटर से बाथ देंगे पेशेंट को, ठीक है। अगर जो है इन्वायरमेंट, अगर पेशेंट को फीवर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को कूल और टैप बाथ देंगे। अब शीट्स बाथ क्या है, आप ये बाथ आपको जो है फुल बाथ, कंप्लीट बाथ, पार्शल बाथ, ठीक है, कूल बाथ, हॉट बाथ, इसकी तो समझ आ गई होगी कि ये होता क्या है। अब शीट्स बाथ क्या है, शीट्स बाथ जो है ये पेशेंट को एक बड़े टब में बिठाना होता है, या तो वॉशरूम टब, जो वॉशरूम के अंदर टब बना बनाया है उसमें, या अगर वो बना हुआ नहीं कूल और टैप बाथ है, ये टैप जो है टैप वाटर से बाथ है ना, ये टैप बाथ है, मुझे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, टैप बाथ है, ये टैप वाटर से बाथ जो देना, ठीक है। शीट्स बाथ जो है, शीट्स बाथ में जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है ना क्रीनियल एरिया का, फॉर एग्जांपल पेशेंट की एपिसोडमी हुई है या पेशेंट के क्रीनियल एरिया का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, शीट्स बाथ देते हैं। पेशेंट के उस जो है एरिया को, जो क्रीनियल एरिया है, उसको एक तो हॉट रखने के लिए, दूसरा इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तीसरा पेशेंट की स्वेलिंग और पेन को मैनेज करने के लिए शीट्स बाथ देते हैं। अब शीट्स बाथ जो है वो मैंने टब बताया कि बड़ा सारा टब, जो एक तो वॉशरूम टब होता है ना जो वॉशरूम के अंदर होता है, एक जो पेशेंट के साइज का बाथ बड़ा सारा, अगर वॉशरूम टब नहीं है तो इतने साइज का टब लाजमी लेना होता है जिसके अंदर पेशेंट बैठ सके, तो उसमें हॉट वाटर डाल के अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, जिस जो पेशेंट बर्दाश्त कर सके, ठीक है, नीम वाटर जो है वो डाल के उसमें एंटीसेप्टिक लोशन डिटॉल डाल दें या एंटीसेप्टिक लोशन जो भी उस वक्त पेशेंट की नीड है वो डाल के पेशेंट को कहते हैं कि 15 मिनट तक उस टब में बैठा रहे, दैट इज कॉल्ड शीट्स बाथ। शीट्स बाथ समझ आ गई बच्चों आपको, इसकी एपिसोड में अब आपको मैं क्या बताऊँ ना, इस वक्त एपिसोड में मीन के जब फीमेल जो है डिलीवरी होती है, फीमेल की डिलीवरी करते वक्त जो इंसियन दिया जाता है, एक तो सिजेरियन सेक्शन, बड़ा पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, और दूसरी जो है वो हम एपिसोड में करते हैं, जो वजाइनल होल जो है ओरिफिस, वजाइनल ओरिफिस उसको इंसियन दे के बड़ा करके उससे बर्थ जो है बेबी की बर्थ करवाते हैं, ठीक है, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एपिसोड में, ठीक हो गया। अब ये मोस्टली जो है फीमेल को एपिसोटमी का नेम मैंने इसीलिए लिया था कि एपिसोटमी के हर पेशेंट को शीट्स बाथ करवाया जाता है, क्योंकि उस एरिया में पेन भी होगी और उस एरिया में स्वेलिंग भी होगी और उस एरिया में जो है इन्फेक्शन का रिस्क भी होगा। जब हम शीट्स बाथ जो है 2 times a day, 3 times a day दिलवाते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है और वहां से स्वेलिंग और पेन भी खत्म हो जाती है। ओके, आपका मैसेज मिल रहा है, टुडे लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है, अदरवाइज तो आप हमेशा यही बोलते हो मैडम लेक्चर टू लेंथी। प्रोवाइड क्लीन बेड लिनन,
जी, जिस तरह बात हो रही थी कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है हम जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है बाथ देते हैं, इसी तरह से हम लिनन भी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। अब जो है क्लीन लिनन, लिनन आप पूछोगे अब क्या है, जो पेशेंट की बेड शीट चेंज करते हैं या पेशेंट को जो भी क्लोथिंग देते हैं दैट इज कॉल्ड लिनन। ठीक है, जो पेशेंट को गाउन पर पहनाना होता है, जो पेशेंट के बेड पे बेड शीट जो है डालनी होती है, जो पेशेंट के बेड के ऊपर ड्रॉ शीट डालनी होती है दैट इज कॉल्ड बेड लिनन। उस लिनन को डेली पेशेंट की बेड शीट, ड्रॉ शीट जो है, या पेशेंट ने गाउन पहना हुआ है वो डेली चेंज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। सो मैनी जो है बैक्टीरिया जो है बेड पे और जो अनक्लीन बेड शीट होगी उस पे होंगे। अब बेड लिनन जो है उसको चेंज कैसे करना है, हमने अनऑक्यूपाइड बेड जो है वो चेंज करना है और ऑक्यूपाइड बेड चेंज। अब मेरे से क्वेश्चन करने वाले हो कि अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड बेड क्या है। आप लोग जो है बहुत जल्दी लॉकडाउन हो गया और हर चीज़ बंद होगी, मैं आप लोगों को बेडिंग करना सिखाने वाली थी। ये शुक्र करती हूँ मैं कि मैंने आप लोगों को वाइटल साइंस जो है उनके प्रोसीजर्स करवा दिए थे। हम जो पेशेंट जैसे ही हमारा पेशेंट आता है तो उस वक्त हम पेशेंट को सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री लेने से पहले हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग उसका पेपर कंप्लीट करने से पहले हम पेशेंट को बेड प्रोवाइड करते हैं। बेड प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास अनऑक्यूपाइड बेड होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेड होती हैं, 8 टाइप्स ऑफ बेड है हमारे पास, लेकिन अभी मैं आपको ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड बेड ही बताऊंगी क्योंकि मैं आपको बेडिंग का टॉपिक नहीं पढ़ा रही, मैं आपको सिर्फ सेफ्टी जो है प्रोवाइड मेजरमेंट बता रही हूँ कि अनऑक्यूपाइड बेड वो जिस पे पेशेंट नहीं है, बेड हमारा खाली है और उसकी हमने बेडिंग कर दी हुई है, नीट और क्लीन बेडशीट जो है वो डाल के हमने बेडिंग तैयार करके अनऑक्यूपाइड बेड पेशेंट के लिए रखा हुआ है। जैसे ही हमारा पेशेंट आता है इमरजेंसी में या वार्ड में, अनऑक्यूपाइड बेड होता है पेशेंट के लिए, इसको हम वेलकम बेड भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा पेशेंट आते ही हम उसको सबसे पहले बेड अलॉट करते हैं। बेड अलॉट करने के लिए उसकी बेडिंग होनी तो ज़रूरी है ना, तो वो अनऑक्यूपाइड बेड होगा। ऑक्यूपाइड बेड वो होता है जिसके ऊपर पेशेंट मौजूद होता है और हम उस मौजूद पेशेंट की मौजूदगी में जो बेडिंग करते हैं, बेड केस है पेशेंट और उसको बेड पे लेटे लेटे जो है बेडिंग करनी, उसको हम कहेंगे ऑक्यूपाइड बेड। ठीक है, प्रोवाइड स्किन केयर। स्किन केयर में मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको प्रीनियल केयर, प्रीनियल एरिया जो है उसमें मैंने छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल दी थी जो एपिजोटमी की, अगर पेशेंट की एपिजोटमी हुई है या जो प्रीनियल एरिया में कोई इन्फेक्शन है, कोई ब्लीडिंग है, कोई डिस्चार्ज है, कोई रैशिज है, ठीक है, स्केबीज है, तो उसकी हमने प्रीनियल केयर करनी है। अगर जो है ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें प्रीनियल केयर करना होगी। जी अदिल कह रहा मैम वेरी एक्साइटेड टू डू दीज थिंग्स प्रैक्टिकली। जी बेटा, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके मैं आपको दिखाऊंगी और ये चीज़ें प्रैक्टिकली जो है डेली कोई ना कोई प्रोसीजर जो है होता रहता है यहाँ जो क्लासरूम में। ठीक है, क्लासरूम में या तो मैं आप लोगों को प्रोसीजर्स करके दिखा देती हूँ या फिर स्किल लैब में जाके, इंशाल्लाह ये सारे सारे प्रोसीजर्स होते रहेंगे। ऑफर बैक रब, बैक रब में मैंने बैक मसाज की आपको कुछ लिंकेज भी सेंड किए थे और स्किन मैनेजमेंट में हम जो है बैक मसाज पेशेंट का करते हैं। जब आप आओगे तो मैं आपको बैक मसाज भी, बैक रब भी करके दिखा दूंगी। प्रोवाइड फुट एंड नेल केयर, फुट और नेल केयर भी करनी है, नेल जो है उनको जो है कट करना है और उनकी केयर करनी है, उनको साफ वॉश और एंटीसेप्टिक लोशन लगा के
वॉश करना है, ड्राई करना है, प्रोवाइड ओरल केयर, पेशेंट को ब्रश कराना है। हमारा जो पेशेंट है उसका बाथ की टेक्निक तो मैंने बताया ना कि बाथ का प्रोसीजर कैसे करना, हमने पार्शल बाथ देना है और किसी वन बॉडी पार्ट का बाथ करना है या कंप्लीट बाथ देना है, हॉट बाथ देना है या हमने कूल बाथ देना है। इसी तरह हमने एक एक चीज़ की पेशेंट की जो है प्रिवेंटिव मेजर करनी है, उसके फुट की केयर, नेल की केयर, ये हम ऑब्जर्वेशन में देख लेते हैं कि पेशेंट के फुट जो है वो कैसे हैं, उन पे जो है पहले वॉश करने वाला है, फिर उसके लोशन भी लगाने वाला है, नेल्स पेशेंट के कटे हुए हैं या नहीं, पेशेंट के नेल्स कटवाने हैं, उनको साफ करवाना है और उनको भी लोशन लगवाना होता है। प्रोवाइड ओरल केयर, पेशेंट को जो है ब्रश करवाया जाता है, अगर पेशेंट बेड केयर्स है तो हमें फुट केयर, नेल केयर, हेयर केयर, बाथ केयर, ये खुद से खुद करने पड़ते हैं ये प्रोसीजर पेशेंट के लिए, ठीक है। ओरल केयर में पेशेंट की हम खुद से पेशेंट को ब्रश करते हैं, ये भी प्रोसीजर आपको करके दिखाने वाला है कि पेशेंट को ओरल केयर हम जो है बेड केयर की कैसे करते हैं। प्रोवाइड हेयर केयर, पेशेंट के लेटे लेटे हम पेशेंट के हेयर वॉश कर देते हैं और पूरा बॉडी जो है वो ड्राई ही रहता है। ये इंटरेस्टिंग प्रोसीजर्स है और जो एपिसोड भी क्या है बेटा, मैंने एपिसोड भी जो है 3-4 बार रिपीट कर दिया है आयशा, मैंने 3-4 दफा रिपीट किया कि एपिसोड भी क्या होती है, ठीक है। डिस्कस विद योर स्टूडेंट्स, प्रोवाइड हेयर केयर, प्रोवाइड आई केयर, ईयर केयर एंड नोज केयर। अब एपिसोटमी केयर मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एपिसोटमी केयर जो है क्या है। एपिसोटमी जो है फीमेल के जब चाइल्ड बर्थ हो रही है उस वक्त जो हम जो वजाइनल ओरिफिस को इंक्रीज करने के लिए इंसिजन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिसोटमी। आयशा आपको बता रही हूँ, आप सुन नहीं रही हैं क्योंकि आपने आपकी तवज्जो इधर उधर थी, ये मैंने 3 टाइम रिपीट कर दिया हुआ है। अवेलुएशन, मैंने आपको सबसे पहले असेसमेंट बताई, असेसमेंट के बाद पेशेंट को डायग्नोस करना बताया, डायग्नोस के बाद मैंने प्लानिंग बताई, प्लानिंग के साथ ही मैंने बताया था कि जब हमने प्लान करना है तो उस प्लानिंग के साथ हमें अवेलुएशन का पहले से ख्याल रखना चाहिए, रखना होगा कि ये जो मैं पेशेंट को, पेशेंट का रिस्क फैक्टर ये है, ये केयर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके जो अवेलुएशन है वो क्या होगी, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कीपिंग द क्लाइंट फ्री फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन रिक्वायर फ्रीक्वेंट असेसमेंट थ्रू द यूज ऑफ रिस्क अप्रेजल्स। जितनी भी रिस्क अप्रेजल हमने यूज़ करवाई थी अवेलुएशन में, थ्रू आउट हमें उनको चेक करना कि वो पेशेंट को हमने दी गई है जो भी रिस्क फैक्टर थे उसकी जितनी भी प्रिवेंटिव मेजर हैं वो दी हैं, और हमारे पेशेंट को कोई डिजीज़ तो नहीं हुई, हमारे पेशेंट को कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, फ्री फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन है हमारा पेशेंट, ठीक है। अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर जो है वो हमारी एक्यूरेटली नहीं होती, हमारा प्लान नॉर्मल ना होता तो हमारे पेशेंट को इंजरी या इन्फेक्शन हो चुका होना था, तो हमारी एवेल्युएशन नॉर्मल नहीं होनी थी, ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ रिस्क अप्रेजल टाइमली एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन द प्लान ऑफ केयर इन ऑर्डर फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी इफेक्टिव। यहाँ पे कहा गया है टाइमली एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन द प्लान ऑफ केयर इन ऑर्डर फॉर द नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी इफेक्टिव। जब हम किसी चीज़ का प्लान करते हैं ना बेटा, कोई हमें रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है, उस रिस्क फैक्टर की हम प्रिवेंटिव मेजर करते हैं, प्लान करते हैं, तो उस प्लान में हमें कोई चीज़ नज़र आती है इंटरवेंशन के दरमियान में, या हमें कोई और भी चीज़ नज़र आती है कि हमें ये चीज़ भी करने की ज़रूरत है प्रिवेंटिव मेजर में, फॉर एग्जांपल हमने जो है लाइट ऑन कर दी ताकि इंजरी ना हो,
हमने जो है फायर से बचाने के लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर की कि हमारा स्टोव जो है वो आउट ऑफ रेंज ऑफ द चिल्ड्रन रख दिया। हमने अपने ऑब्स्टेट्रिकल्स जो है ऑब्जेक्ट कह लें कि उनको हमने जो है अरेंज कर दिया ताकि रिस्क फॉर इंजरी ना हो। तो जब हम पेशेंट को जो है प्रिवेंट कर रहे होते हैं, हमारा प्लान चल रहा होता है, हमारी इंटरवेंशन चल रही होती है, हमें किसी और चीज़ का भी रिस्क नज़र आ रहा होता है, ठीक है, हम उस रिस्क को भी अपनी इंटरवेंशन में डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें इंजरी का रिस्क आ रहा है कि किसी और चीज़ शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हो सकती है, हमने फटाफट शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी आउट ऑफ रेंज उठा के रख देते हैं, जो जबकि हमारी प्रिवेंशन में, हमारी जो है प्लान में वो नहीं था, हमारी इंटरवेंशन में नहीं था। लेकिन टाइमली जो है हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं अपने प्लान की, मस्ट बी मेड इन प्लान ऑफ केयर प्लान की इन ऑर्डर ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी इफेक्टिव, ताकि वो इफेक्टिव हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी इंटरवेंशन में जो है शार्प इंस्ट्रूमेंट को नहीं उठाया था, लेकिन हमने एकदम हमें समझ में आ गया कि इसको भी हमें उठाना चाहिए, फौरन हमने उसकी भी इंटरवेंशन कर देनी है। इस तरह हमने टाइमली अपने नर्सिंग केयर प्लान की इंटरवेंशन में चेंजेस जो है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू इन्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर ऑफ द पेशेंट जो है हमने अपनी इंटरवेंशन में चेंजेस कर सकते हैं। It is very important that the client is helped to develop an awareness of the internal and external factors that increase the risk for injury. हमारा long जो है plan, long time जो plan था वो हमारा जो है successful होने के लिए क्या हो गया कि patient को awareness मिली कि internal and external factor जितने भी जो risk increase करने के थे वो रेड्यूस हो गए। ओके, एडहेरेंस टू बैरियर प्रीकॉशंस इज क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एजेंट। ये हम अवेल्युएशन में आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारी अवेल्युएशन में जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान था वो हमने पेशेंट को बताया, तो पेशेंट को अवेयरनेस हो गई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स That increase the risk for injury, जिसकी वजह से इंजरी का रिस्क था। अब पेशेंट को अवेयरनेस पर मिल गई, यहाँ के क्या है एडहेरेंस टू बैरियर प्रीकॉशंस, जितनी भी हमने जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बैरियर किए थे या प्रीकॉशंस की थी वो सारी जो है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, तो इन्फेक्शियस एजेंट जो है उससे इन्फेक्शन नहीं हुआ, प्रिवेंशन रही है, ठीक है। हमारी अवेल्युएशन में इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं हुआ, उसने प्रीकॉशंस की हैं। टेन टेन हो गया, आपने ब्रेक नहीं करवाई, आपने मुझे कहा जी। बच्चों मैं आपको यही स्लाइड जो है 15 मिनट के बाद दोबारा मैं आ रही हूँ, ठीक है। 15 मिनट के बाद जो है अब मेरा लेक्चर कंटिन्यूसली चलेगा, अभी टाइम आप देख लें 10:10 हुए, 15 मिनट का तो होने 15 मिनट टेन ट्वेंटी फाइव पे आप लोगों ने वापस आना, ठीक है। छोटी ब्रेक ले लो 15 मिनट की, आप लोगों का रोज़ा होगा, ठीक है। रोज़ा तो मेरा है लेकिन मैं अभी कंटिन्यूसली भी लेक्चर ले सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ मेरे बच्चों का रोज़ा है तो आप लोग 15 मिनट की ब्रेक ले लें, 10:25 पे मस्ट आप लोगों ने आ जाना वापस। अबे बात कर रेड बटन इस वाले पर।
आपका लेक्चर है? अच्छा, जी बच्चों, आर यू प्रेजेंट नाउ? जी 25 मिनट हो गया, बल्कि 26 होने वाले हैं। मैं अपना लेक्चर दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। द थेरापेटिक वैल्यू ऑफ हाइजीन इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द क्लाइंट कैन पार्टिसिपेट एंड इज केप्ट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड अल्ट्रेशन इन स्किन इंटीग्रिटी। मैं आपको बता रही हूँ कि अवेल्युएशन हमने कैसे कर देंगे। मैंने आपको असेसमेंट बताई, डायग्नोज करना बताया, उसके बाद मैंने आपको प्लान करना बताया, प्लान के बाद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके साथ ही मैंने बताया था कि अवेल्युएशन को साथ साथ हम ख्याल रखते हैं कि अवेल्युएशन हमारी जो है वो सक्सेसफुल जा रही है कि नहीं। अब हमारी अवेल्युएशन में ये स्किन मैनेजमेंट का पेशेंट था, उन्होंने बताया हुआ कि थेरापीटिक वैल्यू ऑफ हाइजीन। ये जब मैं कर्सर को ऐसे करती हूँ, स्टूडेंट को नज़र आता होगा? नहीं, ठीक है। द थेरापेटिक वैल्यू ऑफ हाइजीन इज मैक्सिमाइज व्हेन द क्लाइंट कैन पार्टिसिपेट एंड इज केप्ट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड अल्ट्रेशन इन स्किन इंटीग्रिटी। हमारा पेशेंट जिसके लिए हमने उसको जो है एजुकेट किया था कि उसने स्किन मैनेजमेंट कैसे करनी है, अपनी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल कैसे करनी है, उसने अपनी वैल्यू ऑफ हाइजीन जो है उसको मैक्सिमाइज किया, ठीक है, और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहा हमारा पेशेंट एंड अल्ट्रेशन इन स्किन इंटीग्रिटी। बेड केस था ना, ये बेड केस पेशेंट की बात हो रही है कि हमने जब उसको प्रिवेंटिव मेजर पेशेंट को एजुकेट किया था, लॉन्ग टर्म गोल जो था उसमें उसको एजुकेट किया था कि उसने स्किन केयर कैसे करनी है और इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है, उसको वो एजुकेट हो गया, अब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है हमारा पेशेंट और अल्ट्रेशन, नो एनी अल्ट्रेशन इन स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है, इससे फ्री फ्रॉम है इन दोनों चीज़ों से। इट मीन्स कि हमारा जो है वो प्लान सक्सेसफुल हो गया। अगर हमारे प्लान में, अगर हमारी एवेल्यूशन में स्किन इंटीग्रिटी हो जाती या पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता, दैट मीन के हमने पेशेंट की असेसमेंट ठीक नहीं की थी। जब पेशेंट की असेसमेंट ठीक नहीं की थी तो हमारी डायग्नोज भी ठीक नहीं थी, जब हमारी डायग्नोज ठीक नहीं थी तो हमारा प्लान भी ठीक नहीं था, ठीक है। जब प्लान ठीक नहीं था तो हमने इम्प्लीमेंटेशन भी गलत की थी, तो अवेल्युएशन में हमारे पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो गया और स्किन इंटीग्रिटी भी हो गई। लेकिन ये जो स्लाइड में पढ़ा रही हूँ इसमें हमारा पेशेंट जो है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड अल्ट्रेशन इन स्किन इंटीग्रिटी, इससे भी फ्री है। इट मीन्स कि हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल है और हमारी अवेल्युएशन जो है सक्सेसफुल हो गई। At the time of discharge from the hospital, appropriate referral should be made to home healthcare agencies to assist the client in achieving optimum functioning level for safety and hygienic practices. जब patient hospital से discharge होके जाता है, हमारा long term goal जो है वो उसमें ये चीज़ शामिल है कि जब हमारा patient discharge होके hospital से घर जाता है तो हमने appropriate referral should be मेड टू होम हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर एजेंसीज। कुछ चीज़ें हमने उसको हेल्थ केयर की जो घर जाता है तो उसको बता के भेजना कि अब आप उसने अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल तक जो है अचीव करने के लिए कहाँ कहाँ से उसने रब्ता करना, एजुकेट जो है वो कहाँ से करना, मेडिसन उसने कैसे लेनी। और फॉर एग्जांपल हमारा पेशेंट जो है एक्सीडेंट के साथ आया था और उसको कोई इंजरी के साथ साथ उसकी कोई फ्रैक्चर भी था, ठीक है, लेग फ्रैक्चर एग्जांपल दे लेते हैं, लेग फ्रैक्चर था या फुट फ्रैक्चर था, तो उसको हमने रेफर करना है कि उसने क्रचिस कहाँ से लगानी है, ठीक है। क्रचिस हैंड क्रचिस होती है ना, जिसके सिर के साथ क्रचिस कहते हैं कि जिसको हम सहारा दे के चलते हैं ना, पेशेंट के फ्रैक्चर हो जाता है तो सहारा दे के जिसके साथ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रचिस।
उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती है जो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू इंजरी ऑफ द पेशेंट वो क्रचेस यूज करवाते हैं। तो वो जब पेशेंट हमारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाएगा तो हमने उसको एजुकेट करके भेजना है कि उसने कहाँ रेफर होना है और घर में क्या करना है और किस किस एजेंसी से, हेल्थ एजेंसी से जो है उसने कॉन्टेक्ट करना है। क्रचेस की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, वो कहाँ से उन्होंने लेनी है, ठीक है। और उसमें जो है अचीविंग ऑप्टिमम जो है हेल्थ फंक्शनिंग लेवल फॉर सेफ्टी एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ताकि उनकी हेल्थ जो है नॉर्मल रहे। अब क्रचेस की एग्जाम्पल मैंने इसलिए आप लोगों को दी है कि यहाँ एजेंसीज का वर्ड यूज हो रहा है कि उसने किस एजेंसी से और किस जगह पे रब्ता करना कि उसको क्रचेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके या जो है वो रेड्यूस ऑफ कॉस्ट में मिल सके, ठीक है। जहाँ से उसने मेडिसिन लेनी है वो भी उसको बताना है, पेशेंट को बता के भेजना कि उसने मेडिसिन कहाँ कब तक लेनी है और उसकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, ठीक है। और उसमें जो है केयर क्या क्या करनी है और उसके बाद उसने रेफरल सिस्टम बताना। रेफरल सिस्टम मैंने बताया था कि एक जगह से पेशेंट ठीक नहीं हुआ, अगर फ्रैक्चर का पेशेंट है तो स्पेसिफिक हमें उसी हॉस्पिटल में रेफर करना होगा जहाँ पे क्रचेस या जो है शूजेस, अगर फुट का फ्रैक्चर हुआ या जॉइंट का कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वहाँ रेफरल सिस्टम उसको बता के भेजना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लाइंट एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन शुड हैव फॉलो अप विजिट बाय द होम हेल्थ नर्स टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लाइंट टीचिंग एंड द सोर्सेज इन द होम टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। जी, पेशेंट को हमने एक तो रेफरल, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है उसमें हमने पेशेंट को इन्फेक्शन के लिए एजुकेट भी करके भेजना, उसको रेफरल सिस्टम का भी बता के भेजना, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन कहाँ से मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट या क्रचेस वगैरह जिस चीज़ की भी पेशेंट को ज़रूरत है। थैंक यू स्टूडेंट यू आर विद मी। तो जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो पेशेंट को बता के भेजना। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन का जो है वो बैरियर बता के भेजना, प्रिवेंटिव मेजर वो पेशेंट को, ताकि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसका बैरियर वो कर सके। ये हमारे क्या लॉन्ग टर्म जो गोल में होगा, अगर हमने लॉन्ग टर्म गोल में डिस्चार्ज करते वक्त पेशेंट को ये सारी प्रिवेंटिव मेजर नहीं बताई तो कुछ देर के बाद पेशेंट फिर हमारे पास वापस आ जाएगा वही प्रॉब्लम लेके जो उसके साथ थी, बल्कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम और उससे ज़्यादा इन्फेक्शन या डिजीज के साथ वो हमारे पास वापस आ सकता है। जी, आज का मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाली हूँ आपका, क्योंकि हमारे पास एनफ टाइम अभी पड़ा हुआ है, हमारे पास जो है 25 मिनट रहते हैं अभी। तो दूसरा लेक्चर जो आज का मेरा वो स्टार्ट करने वाली हूँ, आज जो हमारा सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट वो ख़त्म हो गया। दूसरे का नाम टीचिंग एंड लर्निंग, आज का दूसरा टॉपिक जो है हमारा टीचिंग एंड लर्निंग है, जो अपलोड हो रहा है, जब तक अपलोड हो रहा है मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, ठीक है। बच्चों आपके डेज कैसे गुजर रहे हैं? जी, जो कुछ हम पढ़ाते हैं उसको याद भी करना होगा आप लोगों ने, याद कर रहे हो कि नहीं मुझे बताओ। हाँ, दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को ये बताई हुई है कि जैसे ही हम लोग लेक्चर डिलीवर करते हैं उसको स्लाइड तो आपको मिल जाती है, स्लाइड्स भी आप जो है रीड किया करो, डिस्कस किया करो एक दूसरे के साथ, आपस में सेल्फ डिस्कशन किया करो, और बुक का चैप्टर ज़रूर पढ़ना है आप लोगों ने। मैंने आपको बताया हुआ ना कि बुक का चैप्टर आपने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो फुलफिल कर रही हैं आपके करिकुलम के साथ, सारे जितने भी कंटेंट्स हैं वो आपके फुलफिल हो जाते हैं इस स्लाइड्स के साथ। बट आप लोगों ने बुक से चैप्टर को लाजमी रीड करना, ठीक है, बुक से रीड करके फिर मैच कर लिया करो। जी ओके, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग।
मैंने बच्चों आपको बताया हुआ कि जब भी मैं पढ़ाऊं आप लोग करिकुलम जरूर मैच किया करो। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर टीचर के लिए आप करिकुलम के कंटेंट जो है वो फौरन मैच किया करो कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में या इस टॉपिक में कौन कौन से कंटेंट थे। ठीक है, वो सारे कंटेंट्स हमने पढ़े हैं कि नहीं, मैंने आप लोगों से बताया था कि जब आप कंटेंट्स कवर अप हो जाते हैं तो उनको याद कर लिया करो, लर्न कर लिया करो, किताब के साथ मैच कर लिया करो। दूसरी बात ये कि अगर बाय मिस्टेकन किसी भी टीचर से कोई कंटेंट रह जाता है, आप करिकुलम को देख रहे हैं तो आप टीचर से कह सकते हो कि मैडम हमारे करिकुलम में ये कंटेंट जो है वो मिस्टेक हो गया है, उसको दोबारा पढ़ा दें। ठीक है, तो टीचर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जो है रिवाइज दैट कंटेंट। अब आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो टीचिंग एंड लर्निंग है। अब टीचिंग और लर्निंग क्या है? एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट। ठीक है, अब टीचिंग लर्निंग ये तो नहीं है ना कि मैं टीचर हूँ और आप लर्नर है। ये आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि कल आप लोगों ने भी टीच करना है। किसको टीच करना? सबसे पहले तो आपके पेशेंट होंगे, तो पेशेंट को जो है वो क्या आपने पढ़ाना है? आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट। आप लोगों ने बीइंग अ नर्स, एक क्लिनिकल एरिया हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को ट्रीट और मैनेज करना है, तो वहाँ लर्निंग नीड ऑफ द पेशेंट क्या होंगी वो आप पढ़ने वाले हैं। फिर डिवेल्प टीचिंग लर्निंग प्लान। टीचिंग लर्निंग प्लान होता क्या है? जब हम एक किसी को भी टीच जो है टीच करना होता है तो उसके लिए भी एक प्लान बनाना होता है। जैसे हम पेशेंट को चेक करते हैं तो चेक करने के लिए एक नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है, फिर हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। इसी तरह जब हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं तो भी हमें एक टीचिंग प्लान बनाना पड़ता है। तो उस टीचिंग प्लान को बनाना कैसे है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फिर परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल सेटिंग। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग पे हेल्थ टीचिंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है। जी बेटा, ये FON का ही है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस FON का यूनिट नंबर 8 है। करिकुलम देखा हो तो पता हो बेटा, ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ही है। आप करिकुलम को देख लिया करो ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मैं अपने सारे यूनिट जो है वो सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ। अगर करिकुलम के कंटेंट्स को टच कभी किया हो आप लोगों ने तो आपको पता हो कि ये किसका है। जी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या? दिस इज प्लान इंटरेक्शन विच प्रमोट अ बिहेवियर चेंज दैट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ कोइंसिडेंस। अब ये टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस है जो चलता ही रहता है, एक साइकिल की तरह चलता रहता है। जैसे पेशेंट जो है उसको नर्स और डॉक्टर ने टीच करते ही जाना, एजुकेट करते ही जाना। स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को टीचर्स ने जो है एजुकेट करते ही जाना। ठीक है, इसमें एजुकेशन में क्या है? प्रमोशन ऑफ बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज हम उस चीज़ की लेके आते हैं जो हम सिखाना चाह रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, कि उसमें पेशेंट को पता चल जाए कि हमें क्या एजुकेट किया, क्या सिखाया है। दैट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन और कोइंसिडेंस। ये कोई मैच्योरेशन या कोइंसिडेंस नहीं, ये एक साइकिल की तरह है, इसको हमने जो है कंटिन्यूसली ही रखना होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसिडेंस आए तो तब हमने एजुकेशन देनी है, इसको हमने प्रिवेंशन के लिए जो है इस अपने साइकिल को कंटिन्यू रखना होता। ठीक है, इस प्रोसेस को। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो आपको बता दिया कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसिडेंस ही हो तो ये प्रोसेस हमने करना है। हमें पेशेंट की प्रिवेंटिव मेजर के लिए जो है वो टीचिंग करते रहना चाहिए। अब टीचिंग क्या है? डिफाइन द टीचिंग। टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर।
इसमें भी जैसे कम्युनिकेशन में हमने बताया था कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों के साथ शेयर करने का मतलब टीचिंग है. ऑर्डर टू प्रोवाइड देम टू इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक बिहेवियर चेंज, कि उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है दैट इज कॉल्ड टीचिंग. लर्निंग, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन विच आर रिजल्ट चेंज इन बिहेवियर. लर्निंग मीन जो प्रोसेस जो टीचिंग टीच कर रहा है उसको लर्न करने का मतलब मीन जो है सिमुलेटिंग का मतलब है उसको हम जो है एब्जॉर्व कर रहे हैं उन इंफॉर्मेशन को, समझने का नाम जो है उन इंफॉर्मेशन को जो हमें कोई बता रहा है, तो रिजल्ट इन चेंज बिहेवियर. ये यहाँ जो है टीचिंग वो इंफॉर्मेशन दे रहा है बिहेवियर को चेंज करने के लिए टीचिंग में, लर्निंग के लिए लर्निंग में सिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहा है, समझ रहा है, ठीक है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है विच इज़ अ रिजल्ट इन चेंज इन बिहेवियर, कि हमने अपना बिहेवियर कैसे चेंज करना है. बिहेवियर चेंज मीन जिस बारे में बता रहे हैं, जिस चीज़ के लिए बता रहे हैं वो हमें कैसे आ रहे हैं. जिसकी एग्जाम्पल मैं और आप हो सकते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ इंफॉर्मेशन टीचिंग है, और जो चीज़ आप लर्न कर रहे हो सिमुलेटिंग है, आप उसको समझ रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो. पर्पसेस ऑफ क्लाइंट टीचिंग, क्लाइंट को टीच करने के पर्पस क्या हैं. प्रमोशन ऑफ वेलनेस, ठीक है, कि पेशेंट जो है प्रमोट होके वेलनेस की तरफ चला जाए और अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो रूटीन नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए. प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ इंजरी के लिए करते हैं. रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, जिस तरह मैंने क्रचिस का जिक्र किया था कि अपनी नॉर्मल हेल्थ के लिए अगर कोई ऐसी एम्पुटेशन या कोई जो है एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर जो भी यूज करनी है, क्रचिस लाइक या शूज मैंने बताया था, या जो है ट्राई साइकिल, ठीक है, तो मोटर बाइक होती है ना ट्राई मोटर बाइकल, उस तरह से ताकि बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सके और अपने रोजमर्रा की रूटीन लाइफ काम एक्टिविटीज कर सके. फैसिलिटेशन ऑफ कोपिंग एबिलिटीज, अब कोपिंग एबिलिटीज वो चीज़ है कि ये चीज़ें हमने पेशेंट को बतानी है ना आप लोगों ने. अब कोपिंग एबिलिटीज जो है वो उस पर फैसिलिटेट करना पेशेंट को कि पेशेंट ने कोप कैसे करना है इन चीज़ों को, ठीक है. अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना और कोप कैसे करना है. फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के लिए कुछ फैसिलिटेटर्स हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो रेलिवेंस, के जो रेलिवेंस या रेलिवेंट जो नॉलेज है हमने वही देना. जैसे आपके करिकुलम के अंदर है कि टीचिंग और लर्निंग आप लोगों को आना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो मुझे ये जो है आपको पढ़ाना पड़ा कि टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट्स के करिकुलम के अंदर कंटेंट मौजूद है, मुझे ये स्टूडेंट को पढ़ाना ताकि स्टूडेंट को इसके बारे में पता हो जाए. ये रेलिवेंस है. और रेलिवेंस मीन के पेशेंट को जो आप लोगों ने बताना, जो आपने पेशेंट को जो है एजुकेट करना, उसके अकॉर्डिंगली जो आप लोगों ने नॉलेज देना दैट इज रेलिवेंस. सबसे पहले तो जब हमने टीचिंग करनी है, जब जो हमने टीचिंग करने चाह रहे हैं वो रेलिवेंट मटेरियल हो कि इस वक्त पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल इस वक्त पेशेंट को हैंड वॉशिंग की नीड है, तो जगह जगह पे मीडिया पे और डॉक्टर्स नर्सिस हर बंदा जो है हैंड वॉशिंग टेक्निक के लिए लगा हुआ है, क्योंकि ये ज़रूरत है इस वक्त की, नीड ऑफ द कम्युनिटी, नीड ऑफ द पेशेंट है कि रेलिवेंट जो है नॉलेज पेशेंट को एजुकेट किया जाए, ठीक है. मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए उनको मोटिवेट करना. कुछ लोग जैसे जितनी मर्जी के हैंड वॉशिंग टेक्निक बताएं, लोग हैंड वॉश करते ही नहीं, ठीक है, ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है.
कि उन और मोटिवेशन करने के लिए उनको बताया जाता है कि इसके हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, तब वो मोटिवेट होंगे। फिर रेडीनेस, रेडीनेस मीन भी उनको बताना पड़ेगा, उनको टीच करना पड़ेगा ताकि वो इस काम के लिए रेडी ना रेडी हों, तैयार हों कि हाँ वाकई उन्होंने हैंड वॉशिंग करनी है, या जो हम एजुकेशन देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आजकल मलेरिया भी चल रहा है क्योंकि आजकल जो है मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हम एजुकेट पेशेंट को मलेरिया में हैंड वॉशिंग से हट के भी आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ, ताकि आप यही ना कहें कि सिर्फ हैंड वॉशिंग की टेक्निक ही फैसिलिटेटर लर्निंग में बतानी है, उसमें हम जो है पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए, पेशेंट को रेडी करने के लिए जो है वो हम मॉस्किटो किटों के लिए एजुकेट कर सकते हैं कि आजकल मॉस्किटो है, मॉस्पेल लगानी है उन्होंने, नेट यूज़ करना है हमारी कम्युनिटी ने, अगर उनके इर्द गिर्द कोई गंदे पानी के जौहर है, जो है कंटेमिनेटेड वाटर है, तो उस वाटर पे स्प्रे करनी है या उस वाटर को ड्राई करना है, ठीक है। अब ड्राई कैसे करना है, वो जो है वासा वालों के साथ कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट नंबर उनको बताने होते हैं, उनको रिसोर्सेज बताने होते हैं ताकि वासा वाले आके वहाँ से गंदा पानी जो है ख़त्म कर सकें। तो ये थी हमारी एजुकेशन के पेशेंट को हमने मोटिवेट करना, जो है रेडीनेस कैसे करना, मैच्योरेशन मीन के ये चीज़ें जब हम पेशेंट को जो है रेलिवेंट नॉलेज देंगे, उसको मोटिवेशन करेंगे, बार बार उसको रेडी करेंगे, तो पेशेंट हमारा मैच्योरेशन की तरफ चला जाएगा, उसको समझ आ जाएगी, उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा, ठीक है, और वो उस जो है एजुकेशन को यूज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि उसको जो है इन्फोर्स करना, करते रहना चाहिए, उसको बार बार जो है मोटिवेट और इन्फोर्स करना चाहिए, ताकि पेशेंट जो है एक दफ़ा अगर हैंड वॉश कर ली, या एक दफ़ा उसने माउथ पैड लगा दिया, या एक दफ़ा उन्होंने गंदा पानी निकलवा लिया, तो दोबारा हो गया। ये चीज़ें हमें जो है इसकी रेपिटेशन करते ही रहना चाहिए, ठीक है, रिपीट करना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि कंटिन्यूस ये सर्कल चलता रहे। पार्टिसिपेशन में जो हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने अपने पेशेंट को एजुकेट कर लिया, हमारा पेशेंट मेच्योर हो गया एजुकेशन में, तो वो पार्टिसिपेट करेगा, वो अपनी कम्युनिटी में अपने घर वालों को, अपने चिल्ड्रन को, अपने नेबरिंग को खुद से एजुकेट करेगा, वो खुद पार्टिसिपेट करेगा हमारे साथ मिलके, ठीक है। जैसे हम हैंड वॉशिंग टेक्निक बताते हैं, या जैसे मैंने स्प्रे का बताया, मैंने नेट का बताया कि नेट लगानी चाहिए आजकल, मॉस्पेल लगाना चाहिए आजकल, ठीक है, घरों में भी स्प्रे करना चाहिए मॉस्किटो, इससे दो चीज़ों से हम बच सकते हैं, मलेरिया से भी और डेंगू से भी। जब हम एक जो है कुछ कम्युनिटी को, कुछ पेशेंट्स को एजुकेट कर देते हैं, उनको फ़ायदा होता है, तो वो आगे जाके अपनी कम्युनिटी में जो है एजुकेशन देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट। ऑर्गेनाइजेशन मीन के वो फिर ये काम स्टार्ट कर देते हैं, चलाते रहते हैं। रेपिटेशन मीन के रेपिटेशन, रिपीटेडली ये काम करते रहना चाहिए, अगर हम इस चेन को ख़त्म कर देते हैं तो दोबारा से वो डिजीज या वो इन्फेक्शन आ सकते हैं। स्टूडेंट आर यू विद मी? बैरियर टू लर्निंग, कुछ चीज़ें लर्निंग में बैरियर देती हैं, जैसे हम लर्निंग स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं या टीचर जो है वो पढ़ाना चाह रहा है, तो कुछ बैरियर आते हैं, एक्सटर्नल बैरियर, जिसपे एक्सटर्नल बैरियर में बताया हुआ है कि थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके यू आर विद मी। एक्सटर्नल बैरियर में इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट में जब हम किसी को एजुकेट करते हैं, बेटा बैरियर टू लर्निंग क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल बैरियर क्या है, इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंटल बैरियर में सबसे पहले जो है, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, तो लेक्चर देने के लिए एक तो रूम इन्वायरमेंट नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम जो है लेक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर वहाँ टू हॉट और टू जो है कूल है रूम, तो वो प्रेजेंटर जो है वो भी डिलीवर नहीं कर सकेगा, जो लर्नर हैं वो भी
अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट, उनको सर्दी लग रही होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी या स्वेटिंग कर रहे होंगे, तो वो एनवायरनमेंट उनके लिए बैरियर होगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रेजेंटर है उसकी टोन ऑफ वॉइस नॉर्मल नहीं हुई है, उसकी जो है आवाज़ क्लियर नहीं है, उसका जो बोलने का एक्सेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज बैरियर में उसकी लैंग्वेज ऐसी है जो आप लोगों को समझ ना आए, कोई हिंदी में कोई सिंधी में आपको बताना चाहे तो दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ के अगर वहाँ नॉइस है तो तब भी जो है एनवायरमेंटल बैरियर होगा। दूसरी चीज़ के स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली जो है कोप नहीं कर रहे, नॉर्मली जो है वो सुनना नहीं चाह रहे, या डेफिसिट जो है नॉलेज है स्टूडेंट का, सॉरी डेफिसिट अवेयरनेस है कि वो अवेयर करना नहीं चाह रहे क्योंकि वो रात भर सोए नहीं होंगे। जैसे एग्जामिनेशन के दिनों में हम रिवीजन कर रहे होते हैं, स्टूडेंट पूरी रात जो है वो पढ़ के आते हैं और यहाँ आके जो है तवज्जो नहीं देते, ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंट में अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो आवाज़ टीचर की स्टूडेंट्स तक नहीं जा रही, ये सारे इन्वायरमेंटल बैरियर हैं जिसमें लैंग्वेज जिसमें जो है बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, टोन ऑफ वॉइस, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। दूसरी चीज़ सोशियो कल्चरल बैरियर। अब सोशियो कल्चरल बैरियर में इसमें जो करंट सिचुएशन की एग्जांपल दूं तो हमारे कल्चर में ये चीज़, हमारा कल्चर या हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती ही नहीं कि कोरोना एक ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। वो क्या करते हैं जी, वो मास्क ही नहीं ले रहे। अब लॉकडाउन की वजह से डिस्टेंस का कहा हुआ डिस्टेंस को वो सीरियसली ले ही नहीं रहे। एक एक बाइक पे पांच पांच लोग जा रहे हैं, एक एक गाड़ी में पांच पांच लोग जा रहे हैं, और लोग ग्रुप बना बना के एक एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये क्या है, सोशियो कल्चरल बैरियर है। अब इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर है कि ये डिजीज़ जो है ज़्यादा स्प्रेड होने के जो है फास्टली भी जो है वेरी फास्ट ये स्प्रेड हो सकती है और इंक्रीज रेट भी हो सकते हैं इसके। ये थे एक्सटर्नल जो बैरियर, हमारे इन्वायरमेंटल बैरियर इसमें था, सोशियो कल्चरल बैरियर था, और कुछ कल्चरल बैरियर में ये कह दिया जाता है अगर कहीं कोई एजुकेशन सेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन देना है तो कल्चरली कह देते हैं जी स्टूडेंट गर्ल्स ने वहाँ नहीं जाना, वुमेन ने वहाँ नहीं जाना, इन्होंने वहाँ जाके क्या रखा है इनका, तो उनको भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी जेंट को नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर हमारे जेंट हजरात कल्चरली वहाँ चले जाते हैं, औरतें नहीं जाके वहाँ से नॉलेज लेती, अगर कहीं पे कोई एजुकेशनल सेशन रखे हुए हैं तो उन जो है हमारी वुमेन हमारी गर्ल्स वो तो उस नॉलेज से महरूम रह जाएंगी ना, तो वो कैसे जो है अपनी प्रिवेंटिव मेजर करेंगी। दूसरे हैं इंटरनल बैरियर्स। इंटरनल बैरियर में जो है साइकोलॉजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में जो है अनहेल्दी हो सकता है, इनकरेक्ट थॉट पैटर्न हो सकता है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट हो सकता है, और लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, या फिर डिसफंक्शनल एटीट्यूड टूवर्ड द सिचुएशन। उनके एटीट्यूड जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, इसलिए साइकोलॉजिकल बैरियर से आ सकते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर में फिजिकली जो है इम्पेयर्ड जो है कॉग्निटिव पैटर्न हो सकता है, ठीक है, और बॉडी इम्पेयर जो है हमारा सेंसरी जो है ऑर्गन हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकती है हमारी, ठीक है, और कोई बॉडी प्रॉब्लम और हो सकती है, फिजिकली हम इल हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, सिक हो सकते हैं, कोई और डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, ये हमारी फिजियोलॉजिकल जो है ये बैरियर है कि हम फिजिकली फिट नहीं हैं इसलिए हम लर्न नहीं कर सकते। जी बेटा, जब हम कुछ चीज़ लर्न करते हैं जब कोई चीज़ हम लर्न करते हैं या हम लर्न करवाते हैं तो उसमें कुछ डोमेन्स ऑफ लर्निंग होते हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। अब डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या हैं,
जिसमें थ्री मेन डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड इफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अब ये इन अगर इन डोमेन्स की समझ आ जाए इट मीन्स के लर्निंग जो है वो आ जाती है। कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है, वेलनेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो है कॉग्निटिवली मेंटली जो है अंडरस्टैंड करता है जो इंडिविजुअल है, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा स्टूडेंट है, कॉग्निटिवली वो अंडरस्टैंड कर रहा है। जैसे हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो आप लोग उसको कॉग्निटिवली फिट हो और आप उसको समझ रहे हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिवली अंडरस्टैंडिंग, और कि आप कॉग्निटिवली फिट हो और उस चीज़ को फौरन से पिक कर रहे हो। इसमें कुछ चीज़ें क्रिएटिंग, जब आप लोगों को लेक्चर पढ़ा दिया जाता है तो कॉग्निटिवली आप कितने जो है मैच्योर होते हो या कॉग्निटिवली इतना लर्न कर चुके होते हो कि क्रिएटिंग आप कुछ चीज़ खुद से क्रिएट कर सकते हो। आपके पास नॉलेज आ गया, जैसे मैंने आपको आज की एग्जांपल बताई कि हमने अपने पेशेंट को प्रिवेंटिव मेजर के लिए एजुकेट करना है ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो, उनको इंजरीज ना हो, उनको डिजीजेस ना हो। अब जब आपको मैं ये लेक्चर दे रही हूँ तो कॉग्निटिवली आप क्रिएट खुद से कर सकते हो कोई चीज़। ठीक है, फिर क्या है, अवेलुएट कर सकते हो किसी चीज को। साइड पूरा हो गया जी बेटा, 11:10:56 हो गए जी बेटा। मेरा आज का लेक्चर डोमेन ऑफ लर्निंग हम कल से स्टार्ट करेंगे दोबारा। ठीक है, और इंशाल्लाह ये जो है डोमेन्स ऑफ लर्निंग कल से सारे मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। अभी मैडम सादिया मेरे पास आके खड़ी होगी, उनका टाइम है तो मेरी तरफ से आप लोगों को गुड बाय। आप लोग मैडम सादिया कह रही हैं, आपको सुन रहा होगा कि आप लोगों ने भाग नहीं जाना। मैडम सादिया अपना जो है लेक्चर अपलोड करने लगी हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। सॉरी।